अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वर्ड ऑफ नॉलेज में खुश आमदीद। पेडागोजी का आज हमारा चौथा लेक्चर है। एन असेसमेंट इज व्हाट इफ इट कंसिस्टेंटली अचीव द सेम रिजल्ट विद द सेम स्टूडेंट्स। तो आपका आंसर है रिलायबल। एन असेसमेंट इज व्हाट एन असेसमेंट इज रिलायबल इफ इट consistently achieves the same results with the same students. Second question है, which type of assessment is one which measures what is intended to measure? The right answer is valid. Which type of assessment is one? Valid type of assessment is one which measures what is intended to measure. थर्ड क्वेश्चन है, द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी टू एनहेंस लर्निंग प्रोसेस इज कॉल्ड डैश इन एजुकेशन इज कॉल्ड ICT, यानी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ICT मीन इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। क्वेश्चन फोर, एन असेसमेंट दैट मेजर अ स्टूडेंट्स करंट नॉलेज फॉर द पर्पज ऑफ असाइनिंग अ सुइटेबल कोर्स इज कॉल्ड डायग्नोस्टिक असेसमेंट। Diagnostic assessment. Question 5 है, an assessment that is generally carried out throughout a course is called, किस तरह का कहलाता है? Formative. Formative assessment. An assessment that is generally carried out at the end of course. ये throughout course था, ये at the end of a course to assign students a course grade is called summative assessment. Which from the following is not a formal assessment? कौन सा वाला formal assessment नहीं है? Discussion. Discussion एक formal assessment नहीं है, एक informal assessment है. Question 8, which from the following is not an informal assessment? यहाँ formal दिया हुआ था, यहाँ informal assessment. Assignment एक informal, assignment एक formal assessment है. Discussion एक informal assessment है. Question 9, according to John Dewey, the teacher should guide students the way of knowledge has a dash in learning process has a partner. यानी एक teacher as a partner student को guide करे knowledge देने के वक्त. Question 10, the philosopher who worked in mathematical and scientific didactics was Martin Wittgenstein. Martin Wittgenstein. Question 11, which philosopher gave the idea that education should be based on the principle of human development? The idea diya tha Rousseau ne. Who introduced the theory of empiricism? Theory of empiricism kisne diya tha? John Locke ne. Question 13, who gave the totality conscious idea? Totality conscious idea kisne diya tha? हर्बर्ट स्पेंसर ने. हु रोट द बुक इमली? ये रोसो ने लिखा था. क्वेश्चन 15, विच फिलोसोफर कंपाइल किंडरगार्टन एजुकेशन सिस्टम? तो ये कंपाइल किए थे किसने? फ्रीडरिक फोबल ने. फ्रीडरिक फोबल ने. व्हेन वाज द बुक चाइल्ड डेवलपमेंट फॉर अर्ली चाइल्डहुड स्टडीज पब्लिश फॉर द फर्स्ट टाइम? ये 1895 में पहली मरतबा पब्लिश हुआ था. विच एजुकेटर गेव द आइडिया ऑफ बिहेवियरिज्म इन एजुकेशन सिस्टम? ये वॉटसन ने दिया था. वॉटसन ने बिहेवियरिज्म का आइडिया दिया था एजुकेशन में. क्वेश्चन 18, एट द बिगिनिंग ऑफ द 19th सेंचुरी हुज फोकस वॉज द स्टडी ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द मैन ऑफ द माइंड? At the beginning of the 19th century, whose focus was the study of the development of the mind? किसकी focus थी? Jean Piaget की. Question 19, who had devised the term IQ? यानी intelligent question. ये term किसने devise किया? William Stern ने. Question 20,
ब्रिट कॉल द इंटेलिजेंस टू, ब्रिट ने क्या कहा उसको, इनिएट यानी लालच. विच एजुकेटर प्रेजेंट्स लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ एक्सरसाइज एंड लॉ ऑफ इफेक्ट. तो ये थॉर्डिक ने किया था, थ्रॉन्डिक. हु सेड दैट दीज सिचुएशंस आर मेंटल एवोल्यूशन दैट आर एस्पेक्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एंड इनॉक्सिटी. ये बात किसने कही थी, रोल्फ टेलर ने. फॉर्मल एजुकेशन और स्कूल ट्रेनिंग रिप्रेजेंट व्हाट, प्लान प्रोग्राम स्टडी. क्वेश्चन 2-4, इन चाइल्डहुड विच कंडीशंस आर फेवरेबल फॉर इम्प्रूविंग ऑफ स्किल्स एंड नॉलेज बिगन इन. तो वो कंडीशन है होम की, घर में. फ्रॉम द गिवन बिलो विच इज मोस्ट सुइटेबल फॉर द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, साइकोलॉजी. साइकोलॉजी इज मोस्ट सुइटेबल फॉर द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर. क्वेश्चन 2-6, एजुकेशन डैश एक्सप्लेन द गेनिंग एक्सपीरियंस फ्रॉम बर्थ थ्रू ओल्ड एज, साइकोलॉजी. एजुकेशन साइकोलॉजी एक्सप्लेन्स द गेनिंग एक्सपीरियंस फ्रॉम बर्थ थ्रू ओल्ड एज. हु आर यूजुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग क्लासरूम एंड लाइब्रेरी लर्निंग स्टडीज विच आर केयरफुली प्लान. कौन जिम्मेदार है, साइकोलॉजिस्ट ऑफ एजुकेशन. क्वेश्चन 2-8, साइकोलॉजिस्ट आर एग्रीड दैट एजुकेशन इम्प्लाइज कैन बी रिगार्डेड हैज व्हाट, हैज प्रोसेस, प्रोडक्ट, बोथ ए एंड बी एंड नन ऑफ द अबव. द राइट आंसर इज बोथ ए एंड बी. इन 19th सेंचुरी यूरोपियन साइकोलॉजिस्ट डिवोटेड बेस्ट अटेंशन टू स्टडीज डीलिंग विद डैश इमेजिनरी, डीलिंग विद मेंटल इमेजिनरी. विच साइकोलॉजिस्ट इंट्रोड्यूस द एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिकली इवॉल्व प्रिंसिपल एंड थ्योरीज ऑफ लर्निंग इन एजुकेशन सिस्टम. अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट.